हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपको सिखाते हैं IS कोड 1390-20-1993। इसके बारे में बताता हूँ, जो सिस्मिक डिजाइनिंग के लिए कोड यूज होता है, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बारे में। आज हम बात करते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। 1.58 तो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होता क्या है? जो आपने कॉलम देखा होगा, तो कॉलम में जो आपका जो ये वाला स्ट्रेट बार होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट और ये आपका ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। तो ठीक है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होता है आपका बीम के अंदर, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होता है आपका कॉलम के अंदर। तो कॉलम के अंदर आपका ये आउटर रिइंफोर्समेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बात करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो हम स्ट्रब यूज करते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट फॉर सर्कुलर कॉलम सेल कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल और सर्कुलर हुप्स, हुप्स के आपका ये स्ट्रब्स है जो आपको बाइंड कर देता है। कॉलम के जो बार होता है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होता है उसको आपको बाइंड कर देता है जो स्ट्रब होता है, ठीक है। तो वह सर्कुलर हुप्स होगा या स्पाइरल होगा, स्पाइरल इस तरह से होता है, इस तरह से स्पाइरल होता है, ठीक है। इस तरह से होगा सर्कुलर कॉलम में या फिर आपका इस तरफ से सर्कुलर में होगा, ये स्पाइरल एंड ये सर्कुलर इस तरफ से राउंड कॉलम में होगा, क्लियर। तो इन रेक्टेंगुलर कॉलम रेक्टेंगुलर हुप्स में भी यूज, तो रेक्टेंगुलर कॉलम है तो रेक्टेंगुलर कॉलम का ही यूज होगा। तो ए रेक्टेंगुलर हुप्स इज ए क्लोज्ड स्ट्रप हैविंग ए 135 डिग्री हुप। तो 135 डिग्री का मतलब कि आपके पास 135 डिग्री में इस तरह से प्रोवाइड होगा, ये 135 डिग्री जैसे आपका स्ट्रेट बार है, स्ट्रेट बार को 135 डिग्री एंगल में बैंड कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा 135 डिग्री में ही होगा। तो उसके बाद देखते हैं या विद 135 डिग्री के अंदर होगा और या फिर लेंगे आप 10 इंटू डायमीटर, क्या होता है 10 इंटू डायमीटर फॉर्मूला में, ठीक है। ये आप जो बैंड करेंगे जो डायमीटर होगा आपका उसको गुना कर देंगे आप 10 से, तो वही आपका बैंड लेंथ होगी। उसके बाद देखते हैं बट नॉट 75 mm से कम नहीं भी होगा, अगर इसकी लेंथ आप मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक कि ये 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। आपके पास तीन कंडीशन रख दी है इस कोड ने, ठीक है, डिजाइनिंग आप कर रहे हैं तो। उसके बाद देखते हैं दैट इज एम्बेडेड इन द कंफाइंड कोर सी फिगर 7A। फिगर 7A का कोड आपको मैं दिखा देता हूँ, फिगर 7A में आपको सारी डिटेल दिखा देता हूँ मैं। उसके बाद देख लेते हैं पहले द पैरेलल लेग्स ऑफ रेक्टेंगुलर हुप्स सेल बी स्पेस्ड नॉट मोर देन 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर क्या कह रहा है, अगर आपके रेक्टेंगुलर कॉलम है इसकी जो पैरेलल ये रिइंफोर्समेंट है जो इसका सेंटर से सेंटर आपका 300 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इफ द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ हुप एक्सीड 300 मिलीमीटर एक क्रॉसिस सेल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इसमें 7B में फिगर दिखा देता हूँ मैं। उसमें अगर ये 300 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो आप इसमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और उसमें क्या करेंगे एक इस तरह से लैग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अल्टरनेट पेयर्स ऑफ ओवरलैपिंग होब्स में बी प्रोवाइडेड विद इन ए कॉलम, ये 7C में, ठीक है। तो मैं पहले दिखाता हूँ फिगर 7C, आगे देखते हैं अभी आगे। पहले भी देखते हैं फिगर 7A सिंगल हुप मतलब आपका सिंगल स्ट्रप, ठीक है। तो आपका ये क्लियर कर, अगर ये स्पेसिंग लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है उसकी स्पेसिंग अगर 300 मिलीमीटर से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए और आपका जो ये, ठीक है, जो ये हुक है तो उसकी 10 × D या फिर आपका 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, क्लियर। आपका D4 क्या शो कर रहा है आपका डायमीटर और यहाँ पे ये D है आपका डायमीटर, क्लियर। यहाँ पे भी आपका क्या है क्लियर हाइट आपकी, ठीक है, ऐसी क्लियर हाइट, तो 300 मिलीमीटर से ये भी कम नहीं होना चाहिए। तो एच क्या है आपका सेल बी लार्जर ऑफ एच सी एंड बी सी, बी सी ब्रेथ हाइट और ये आपकी हाइट, क्लियर हाइट। उसके बाद देखते हैं आपका इस तरह से स्ट्रप, अगर आपका ये सिंगल स्ट्रप है एंड आपका ये क्या है सिंगल हुप विद ए क्रॉस टाई की आपका पास ये वाला क्रॉस टाई है, ठीक है, ये चीज आपका क्रॉस टाई तरह से प्रोवाइड होगा। तो सिंगल स्ट्रप आपको यूज करने, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, उसके बाद डी डायमीटर आपको यूज कर रहा है, आपका इसमें जो प्रोवाइड यूज आ रहा है 300 मिलीमीटर से इसका स्पेसिंग क्या है ज्यादा है, इस बार की स्पेसिंग ज्यादा है, तो आपको क्या करना है आपको प्रोवाइड है क्रॉस टाई, ये आपका क्रॉस टाई इसमें प्रोवाइड करना है बीच में, और ये आपके क्या है 300 मिलीमीटर से कम है, ये 300 मिलीमीटर से कम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया आपका, ये ए पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट देख लेते हैं एस सी क्लियर हाइट, अगर ये हाइट ये वाली जो डिस्टेंस है तो 300 मिलीमीटर से ज्यादा है तो ये आपका इस तरह से प्रोवाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं,
तो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक है आपका ये जो तीनों है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है, तो एच क्या है शैल बी लार्जर ऑफ एच सी एंड बी सी, बी सी की आपका ब्रेथ ऑफ, ठीक है ब्रेथ ऑफ एंड ये आपकी हाइट, तो सेवन सी ये आपका सेवन सी ओवरलैपिंग होप्स विद ए क्रॉस टाई। अगर इस तरह से कॉलम में यूज करें तो आप इसमें क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेप ऐसे घूम के गया इस बाहर के फेस से, इस बाहर के फेस में ऐसे से गया, ठीक है ये आपका ये बन गया, और इस तरह से प्रोवाइड हुआ, इस तरह से प्रोवाइड हुआ, तो आपका ये इस तरह से प्रोवाइड हुआ, ये क्या हुआ दोनों को अल्टी ने इस तरह से बांध दिया, इस तरह से आपको ये इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से बांध कर रखा है बार को कॉलम को, ठीक है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्मेट नहीं होने देगा। उसके बाद देखते हैं ये चीज, ये वाला ये क्या आपका इस रेनफोर्समेंट से, इसका रेनफोर्समेंट 300 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो उस बेस पे आपको ये क्या करना है रेनफोर्समेंट बीच में प्रोवाइड करना है, ये क्या है क्रॉस टाई, आपका क्रॉस टाई बार है, बी सी 300 मिलीमीटर से कम रहना चाहिए, ये डी क्या कर रहा है डायमीटर, तो इस तरह से आपको जो डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसी बेस पे आपको करना है, अगर इससे बेस पे नहीं करते हैं तो आपका फेलियर होगा। मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बहुत हेल्पफुल आपके रहेगी, क्या कंडीशन आपका अगर आप सीधे हुक करते तो क्या कंडीशन आती है कंक्रीट के अंदर। उसके बाद देख लेते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट हमारा, ये वाला 7.4.1 इसमें क्या कहता है स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ओवर ए लेंथ, ओवर ए लेंथ क्या एलओ, एलओ ओवर लेंथ आपका ये वाला सेक्शन ओवर ए लेंथ, ये वाली लेंथ ये स्ट्रप एंड ये स्ट्रप क्या करो प्रोवाइड कर रहा है ईच जॉइंट फेस, ईच जॉइंट ये वाला बीम है और आपके कॉलम, ये तो क्या हुआ जॉइंट फेस हो गया, तो फेयर फ्लेक्सुरल यील्डिंग मे ऑकर अंडर द इफेक्ट, ये फ्लेक्सुरल मेंबर कौन सा होता है आपका बीम का, ये फ्लेक्सुरल मेंबर होता है आपका बीम का, तो ये फ्लेक्सुरल मेंबर यहाँ इफेक्ट करेगा, तो कहाँ पे करेगा कॉलम के अंदर, क्यों क्या होगा इसको ये ऊपर लोड आएगा तो इस तरह से आपका ये क्या होगा कॉलम इस तरह से प्रोवाइड होगा, इस तरह से कुछ होगा, ये आपका बीम का लोड आएगा तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह से होगा, कॉलम आएगा तो बकलिंग इधर से कॉलम हट जाएगा, तो लोड आपका ट्रांसफर यहाँ पे भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ मजबूत पाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, लेटरल डायमेंस इफेक्ट लेंथ द लेंथ एल ओ सेल नॉट बी लेस देन, सेल नॉट बी लेस देन, देखिए जो इसकी लेंथ है ये वाला हाइट है ये आपका क्या है ये क्या आपका एल ओ, एल ओ फ्रॉम ईच जॉइंट कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट सेल बी प्रोवाइडेड ओवर ए लेंथ, ओवर ए लेंथ, ओवर ए लेंथ, तो ठीक है ओवर ए लेंथ सेल नॉट बी लेस देन लार्जर लेटरल डायमेंशन ऑफ मेंबर एट द सेक्शन, ठीक है आपका क्या होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट इससे क्या होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए ये वाला जो लेंथ है, तो लार्जर लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर एट, ठीक है एट द सेक्शन वेयर यील्ड ऑकर, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो वहां पे ऑकर लिया जाता है, तो बी क्या है 1.6 ऑफ क्लियर स्पैन ऑफ द मेंबर, 1.6 क्या है आपका ये वाला जो क्लियर हाइट है, ये वाली जो क्लियर हाइट है ये आपके क्या है एच सी क्लियर हाइट, और ये क्या होना चाहिए 1.6 से ये कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जो एंड आपने सुना होगा कॉलम में एंड जोन मिडल जोन, तो ये आपका एंड जोन है जिसमें स्ट्रिप की स्पेसिंग 100 mm 75 mm होती है कम होती है स्पेसिंग, तो उसमें आपका 1.6 तो लेंथ 1.6 ऑफ क्लियर स्पैन ऑफ द मेंबर 1/6 इंटू एल क्लियर, या फिर एल अपॉन सिक्स कर सकते हैं या फिर 1/6 इंटू एल, ठीक है बी पॉइंट हो गया आपका, सी पॉइंट देखते हैं 450 mm मिनिमम 450 से ये कम नहीं होनी चाहिए, इसकी जो एंड जोन होता है 450 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वेन ए कॉलम ट्रांस टर्मिनेट्स इंटू फ्लोटिंग और मैट स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट सेल एक्सटेंडेड एट लीस्ट 300 mm इंटू द फुटिंग और मैट, अगर आपका ये लास्ट में कॉलम जाता है इसमें फिगर शो कर रहा है फिगर 10 और इसमें कर रहा है फिगर शो 9, चलो आगे देखते हैं ये वाला, तो इसमें आपको शो कर रहा है कुछ इस तरह से कॉलम का रेनफोर्समेंट, ठीक है तो कॉलम का रेनफोर्समेंट कह रहा है, तो यहाँ पे क्या है यील्ड, ये यील्ड है तो ये आपका क्या है ये क्लियर हाइट है, ये आपकी एंड जोन है, ठीक है एंड जोन आपका आउटर लेंथ, तो ये आपके यील्डिंग ये लेंथ है, तो ये आपका एंड जोन, ये आपका इधर से आपका ये मिडल जोन है, तो ये वाला जो शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट, स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट इसके तीन कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, 450 से ये एमएम कम नहीं होना चाहिए, 1/6 इंटू लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, और आपकी ये क्लियर हाइट होती है, ये आपका जॉइंट होता है यील्डिंग जॉइंट, ठीक है तो उसके बाद देखते हैं कॉलम एंड जॉइंट डिटेल, ये आपने क्या बताया था बी पॉइंट में, ये आपका 300 mm से अगर फुटिंग के अंदर राफ्ट के अंदर चला जाता है तो एंडिंग जो ये रेनफोर्समेंट होता है ये 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है तो उसके बाद देखते हैं एंड मिडल जोन, मिडल जोन में क्या कहता है
आपका एंड जोन आपका स्टब की स्पेसिंग मिनिमम, या आपका स्पेसिंग आपकी या टोटल स्लैब के बॉटम से बीम का बॉटम, ये बीम का बॉटम से बीम का टॉप आपकी क्लियर हाइट है, तो क्लियर हाइट डिवाइड बाई 4 से ये आपकी कम नहीं होनी चाहिए। सो पहले बताते हैं एंड जोन। एंड जोन क्या आपका, एंड जोन 450 से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 1.6 इंटू लेंथ, या फिर ये आपकी एच सी, एच सी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच सी, ये आपका कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसका देखते हैं मिडल जोन, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या मिडल जोन है, तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट एज पर 7.3.3 आपको देख लेते हैं, 7.3.3 देखिए, तो 7.3.3 क्या कहता है, द स्पेसिंग ऑफ हुब्स शैल नॉट एक्सीड हाफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम एक्सेप्ट वेयर एज स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज 7.4। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेटिव फैक्टर द शियर फोर्स एज एनालिसिस, तो आपका ये इस तरह से फॉर्मूला आपको यूज होगा जिसमें आपको कन्फाइनिंग है, तो उसमें स्पेसिंग उस तरह से कम ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेल नॉट एक्सीड हाफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इस पर हमें जो लैप लेंथ करना है, ओवरलैप लेंथ कहां पे प्रोवाइड करनी है, तो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट एज पर 7.5, ये पूरा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इधर से हो गया। उसके बाद देखते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ये क्या है, स्प्लाइस या ओवरलैप लेंथ करनी है। कहां पे लेंथ करनी है, आपको इस बार में यूज करनी है, यहां पे इस बार में आपको यूज करनी है, ठीक है। तो ये आपका इसको हाइट छो एक क्लियर हाइट छोड़ के, ये आपका क्लियर हाइट छोड़ देनी है, और इधर से क्लियर हाइट डिवाइड बाई 4, तो 1/4 इंटू एच सी, और इधर से भी आपको 1/4 इंटू एच सी, एच सी क्या, क्लियर हाइट, क्लियर हाइट, ये हाइट और ये हाइट छोड़ने के बाद इधर से आपने हाइट छोड़ दी और इधर से आपने हाइट छोड़ दी। उसके बाद जो आपका डिस्टेंस बचा बीच वाला, इसमें ही आपको ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कॉलम या बीम का रिजर्व फॉर्म में कॉलम के अंदर कैसे जाता है। तो कुछ बेसिक स्टम्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।